हम तो बताएंगे, डंके की चोट पे खड़े होकर बताएंगे, मस्जिद के स्पीकर में खड़े होकर बताएंगे कि तुम। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस काम को आगे बढ़ाने और अवेयरनेस फैलाने के लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। आप पेट्रियन, ओनली फैंस या सिंपली पेपैल के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है। यहाँ मुझे दिख रहा है, यहाँ मुझे दिख नहीं रहा है। जी जी हेलो हेलो, मैं उपवास बनाई। जी हेलो, मैं कैसे हो मेलिस मैम? मैं ठीक हूँ। आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ आ रही है जी। लोएस्ट पर्सन ऑन अर्थ जी, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ क्या चाहेंगे? मैं आपको दावत देने आया हूँ। आप दावत की बात कीजिएगा, आपके घर में दावत हो रही है इस वक्त, इतना शोर। शोर तो थोड़ा बहुत चलता रहता है आगे पीछे। क्यों आगे पीछे? आपके पास घर नहीं है जहाँ पर आप जाके आराम से गुफ्तगू कर सके? नहीं, बहुत छोटा घर है। चलो वॉशरूम नहीं चले जाते हैं? अरे वॉशरूम में नहीं जाते पापा, पानी गिर जाएगा। लैपटॉप लेके कैसा जाएंगे? अच्छा रुको, मैं थोड़ी साइलेंट जगह पे देखता हूँ, जगह मिले तो एक मिनट। जी सर, आवाज क्योंकि पीछे भाभी की आवाज है, इनकी आवाज आ रही है, उनकी पूरी कॉन्वर्सेशन रहेगी। पर अब बेहतर है जी, अब बेस्ट है जी। तो आप मुझे दावत देने आए? हाँ दावत देने आई, आपको इस्लाम में बुलाने आई है जन्नत के लिए। नहीं मैं तो समझ गया, शादी की दावत देने आए थे। मैं तो समझ गया शादी की दावत देने आए थे मुझे। अरे शादी की क्या दावत होती है? दावत तो इस्लाम की है, अल्लाह की होती है। मेरी जी आपको कैसे पता? एक अल्लाह को मान लो कामयाब हो जाओगे, आखिरत की जिंदगी बन जाएगी। हाँ मुसलमान हो? अच्छा कौन से वाले, कौन से फिरके? मेरा अपना फिरका है। कौन सा फिरका है ये? अपना फिरका है, अल्लाह को मान लो। नाम तो होगा ना? मैं फिरके की बात नहीं करता हूँ। क्यों नहीं करते? फिर के निकाल देंगे तो इस्लाम कहाँ जाएगा? अरे आप आओ तो सही इस्लाम में, बाद में आपको बताएंगे कौन सा उसमें आऊं। मुझे ये तो बताएं ना कौन से उसमें आऊं, मुझे क्या पता आपके फिरके में क्या है। आप मुस्लिम में तो आ जाओ, जो फिरके में मैं लेके जाऊंगा आपको वो फिरके में आ जाना। क्यों हा? मेरा क्या फायदा है उसको, मुझे कितने पैसे मिलेंगे? पैसे कुछ भी नहीं मिलेंगे, गरीबी गुर्बत की जिंदगी मिलेंगी, पर आखिरत में सब कुछ मिलेगा। आखिरत में किसको मिला है? आपने देखा है किसी को मिलते हुए? हाँ देखा है मैंने। किसको? बहुत लोगों को देखा है। एक नाम बताइए मुझे। इसरार अहमद डॉक्टर। मर गए? हाँ मर गए। अच्छा उनको क्या मिला मरने के बाद? बहुत कुछ मिला। लाइफ पूरे मिलेंगे कि नहीं ये बताएं? सब मिलेंगे। अभी तक मुझे बताएं इसरार जी कितने हूरों के साथ घूम कर चुके हैं? मुझे बताएं अभी तक इसरार साहब कितनी हूरों से मुलाकात कर चुके होंगे, ये बताइए। मैं सामने चार पांच ही देखा था, बाकी और रहेंगे। आपने सिर्फ चार पांच हूरों को देखा? अच्छा बताइए वो हूरें कैसी थी हमें। आप हूरों का क्या करेंगी? मैं तो जानना चाहती हूँ ना, मैं मुझे लोग कहते मैं हूँ तो अल्लाह आपको हूँ से खूब ज्यादा खूबसूरत बना देगा। आप अल्लाह की जन्नत में तो आओ, वही तो पहले मैं जान तो लूं अल्लाह मियां की जन्नत में है क्या, क्या है मेरा कंपटीशन वहाँ पे, मैं ये तो जान लूं। मगर मेरा तो मियां ही नहीं है तो मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा तो बिगड़ मियां के ले लेना। नहीं तो बगैर मियाँ की क्या? नहीं भैया जो औरतें हैं जो जन्नत में जाएंगी वो उनको अपने हस्बैंड के पास ही जाएंगी ना, और जिन औरतों की शादी नहीं तो आप किस करवा देंगे शादी?
अच्छा किससे करवाएंगे आप? कौन से मौलाना जी अवेलेबल हैं जिससे मेरी शादी करवाना चाहते? किसी से भी करवा देंगे आप करना चाहोगी तो, वरना आप अकेले चले जाना। आप आ तो जाओ। मैं अकेले अकेले थोड़ी जाने देंगे, अल्लाह मियां मुझे हो कहेंगे कि नहीं तुमने शादी ही नहीं की, कोई नहीं रोकेगा। बिना बहुत किया है तुमने, तुम तो दोजख में जाओगी। नहीं नहीं कोई नहीं रोकेंगे, आप कर्मा कर लो, अल्लाह के दिन को कबूल कर लो। तुम्हें देखे, अगर मुझे यही करना है तो मैं मरने से पहले 10 मिनट पहले क्यों नहीं कलमा पढ़ लूं? सुनो, मरने से पहले का टाइम मालूम नहीं पड़ता है, और इस तरह का जो सोच रखता है ना उसका कलमा कबूल नहीं होता है। मरने से पहले कर लूंगा, जिस वक्त समझ में आ जाए उसी वक्त पढ़ना पड़ता है, ये सोच नहीं चलती है मरने से पहले पढ़ लूंगा। मुझे मुझे उसी समझ में आए ना, जब मैं मौत को देखूंगी करीब से तो तब शायद उस वक्त कलमा कबूल नहीं होता है। ये कंडीशन है, ये कलमे की कंडीशन है यार। ये कंडीशन कौन लगता है? ये कहाँ लिखा है कंडीशन है कलमे पे? मैं जो कह रहा हूँ वो बात मान लो, मुझसे सवाल मत करो, ठीक है? यार ये कौन सा आर्गुमेंट, मुझसे सवाल नहीं करो। आज आप कहीं भी जाते हैं ये किसी को बोलेंगे मुझसे सवाल मत करो, ये लो इसलिए ये स्कीम आई है इसमें पैसे लगा दो, वो आपको ही धो डालेगा। पैसे नहीं मांग रहा, मैं आपके पैसे नहीं मांग रहा, आप मेरा ईमान मांग रहे हो। ईमान सबसे ज्यादा कीमती है, मैं आपके लिए एक सौदा है यार। ये घाटे का सौदा है? नहीं नहीं मेरा घाटे का सौदा, मैं 4 शादी कर सकती हूँ, बेहतरीन सौदा है। अब मैं पूछ रही हूँ 4 शादी कर लूँ मैं, फिर मैं अगर आ जाऊंगी तो मेरी 4 शादियां हो जाएंगी। कौन करेगा आप, कौन मर्द बर्दाश्त करता है 4 शादी? तो कौन औरत बर्दाश्त करती है 4 शादी? एग्जैक्टली आप एक शादी वाले से शादी करना ना भाई, ये कैसे पता है? उसका दिल भर गया मुझसे, बोले आ जा लेकर आ जाता है दूसरी, तो फिर मेरा उसकी थोड़ी कोई जोर चलेगा। नहीं नहीं वो चलता है, वो पहले से एग्रीमेंट करवाते ना तो राइट्स होता है वुमन को। नहीं क्या राइट है, वो मेरी पिटाई कर देगा, मैं कहूंगी नहीं वो मेरी पिटाई कर देगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना, आपकी टेंशन ले रहे हो, पहला कल मैं तो कर लो। आप हैं ना तो क्या आप मेरे दूसरे मियाँ बन के रहेंगे? मैं हूँ ना, मेरे मियाँ को बर्दाश्त थोड़ी होगा कि आप हैं मेरे साथ। ये जवाब दे दिया आपने, कैसी बात कर रही है? आप मेरे लिए ना महरम होंगे तो अकॉर्डिंग टू आपके इस्लाम के, आप से तो मैं बात ही नहीं कर सकती। तो कलमा तो पढ़ लो फिर, बात पहले मत करना जिंदगी भर। देखें आपका आर्गुमेंट मुझे स्ट्रांग नहीं लगा, चलें मैं आगे निकलती हूँ। आपका आर्गुमेंट बिल्कुल ही बेकार था, आपने मुझे कन्विंस नहीं किया। आगे मत निकलो, फंस जाओगे। ना नहीं नहीं मैं नहीं फंसती। अच्छा चलें आपसे फिर दोबारा बात होगी। फंस जाए इस्लाम में आके फंस जाऊंगी इसी वजह से, क्योंकि देखिए इस्लाम माफिया है, उसके अंदर आप आ सकते हैं, उससे निकल के जा नहीं सकते, वरना आपकी गर्दने जो है वो काट देते हैं, है ना? और उसके राज भी आप नहीं बता सकते, आप राज बताएंगे तो लोग मार देते हैं आपको, आप हदीसें बताना शुरू होते हैं, मोहम्मद जी की लाइफ बताना शुरू होते हैं, तो यू नो उस पे जो है फिर गालियां पड़नी शुरू हो जाती हैं, फिर हमारे सरगर्म हो जाते हैं कि आपने ब्लास्फेमी कर दी है। तो यार छोड़ो, चले मैं आगे बढ़ती हूं। थैंक यू सो मच, और मैं आपको दुनिया से दावत दी। इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस काम को आगे बढ़ाने और अवेयरनेस फैलाने के लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। आप पेट्रियन, ओनली फैंस या सिंपली पेपैल के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है।